ऐ खुदा शुक्र तेरा, ऐ खुदा शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेहरा। ऐ खुदा शुक्र तेरा, ऐ खुदा शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, ये मेरा प्यार चला बांध के सर पर सेहरा। ऐसा सेहरा गुलो गुलजार न देखा न सुना, ऐसा नौशाह मेरे यार न देखा न सुना, ऐसा बेमिसल हसी प्यार न देखा न सुना, ऐसा दिलदार तरादार न देखा न सुना। सारी दुनिया की जुबानों पे है घर घर सेहरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेहरा। ऐ खुदा शुक्र तेरा, ऐ खुदा शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेहरा। काम कर लाए गए चांद सितारे इसमें, और गूंजे गए जन्नत के नजारे इसमें, चुंदिए फूल गुलिस्तानों के सारे इसमें, फूल क्या दिल भी पिरोए हैं हमारे इसमें। जाने किन हाथों से आया है ये बनकर सेहरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेहरा। ऐ खुदा शुक्र तेरा, ऐ खुदा शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेहरा। गुलरुखों की नजर आती है अदाएं इसमें, है महकती हुई जुल्फों की घटाएं इसमें, है सभी दर्द के मारों की दवाएं इसमें, सारे दिल वालों की शामिल है दुआएं इसमें। बात तो ये है कि दिल भर का है दिल भर सेहरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेहरा। ऐ खुदा शुक्र तेरा, ऐ खुदा शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेहरा। वाह क्या बात है, क्या शान है, सुभान अल्लाह, किसके हर फूल में एक जान है, सुभान अल्लाह, हर नजर देख के हैरान है, सुभान अल्लाह, जिसने देखा वही कुर्बान है, सुभान अल्लाह। वाकया ये है कि बेहतर से है बेहतर सेहरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेहरा। ऐ खुदा शुक्र तेरा, ऐ खुदा शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर सेहरा।
काटा, ये बच्चा लोग काटा, ये पीछे बच्चा लोग काटा।
में ताल है पायल में छन छन ढोलक में ताल है पायल में छन छन घूंघट में कोरी है सहरे में साजन जहां भी ये जाए बहारे ही छाए ये खुशियां ही पाए मेरे दिल में तो आती है मेरे यार की शादी है मेरे यार की शादी है ढोलक में ताल है पायल में छन छन घूंघट में कोरी है चेहरे में साजन जहां भी ये जाए बहारे ही छाए ये खुशियां ही पाए मेरे दिल में तो आती है मेरे यार की शादी है मेरे यार की शादी है प्यार जीत मिली मेरे यार को प्यार मिला प्रीत मिली मेरे यार को बड़ी प्यार जीत मिली मेरे यार को खुश है जो दिल मन महफिल हो खुश है जो दिल मन महफिल गीतों से सजाती है मेरे यार की शादी 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 है नहीं जहाँ प्यार है जिसमें हार जीत हो वो कहाँ प्यार है हार नहीं जीत नहीं जहाँ प्यार है जिसमें हार जीत हो वो कहाँ प्यार है लग जगह यार मेरे जगह यार मेरे मैंने दिल से सजा दी है मेरे यार की शादी है मेरे यार की शादी है मेरे यार की शादी है
دلدار حسین جو صاحب زادے ہیں جناب مرحوم معین الدین صاحب کے, ان کا نکاح تو ہمارے ساتھ بہبر زین بہار 2,786,000 روپے اور یہ دشن کی سرخ سکھ راج وقت علاوہ ناکہ کی. وکیل صاحب کی نیابت میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں اور گواہ اپنے جناب محمد علی صاحب اور گواہ شیخ عادل حسین صاحب. تمہارا نکاح موصوف کے ساتھ کیا جا رہا ہے, کیا تمہاری طرف سے قبول ہے؟ ہاں بولے یا سر ملا کر ہاں کر دے. اجازت ہے؟ ٹھیک ہے بھائی, اجازت ہے. رکیے رکیے بابو, تھوڑا پیچھے رہنا بیٹا. وصل منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء الى اخر الايه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي, وقال في موضع آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني, وقال في موضع آخر عليه الصلاة والتسليم يا معشر الشباب من استطاع منكم يتجوز ومن لم يستطع فعليه جسر فإنه وجاه له. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات, نوجوان وزیزان, بڑی مبارک محفل ہے, رات زیادہ گزر چکی ہے, لہذا اس حساب کے ساتھ ایک ڈیڑھ منٹ میں خطبے کو ختم کروں گا. ایک بڑا حسین کئی لمحہ ہے, کسی ایک لمحے کے لیے دل میں عربی کیا کیا آرزو تمنا بسائے رکھتا ہے. بڑی حسین ترین گھڑی ہے, اس سے زیادہ کوئی گھڑی حسین انسان کی زندگی میں نہیں آتی, اور ہر شخص کو ایک مرتبہ اس منزل سے گزرنا پڑتا ہے. یہ سو اتفاق بڑا اس منزل پر قدم رکھے تو الگ بات ہے کہ نکاح کی تقریب منعقد ہونے جا رہی ہے, کہ ہمارے باپ حضرت عالم اور خبر کی سنت ہے. عجیب محفل تھی کہ کرسیوں کا فرشتے تھے, نکاح پڑھنے والا حضرت آدم اور نکاح قبول کرنے والی حضرت حوا. نکاح پڑھنے والے کون؟ اللہ تبارک ہوتا ہے. کیا مبارک اور نورانی محفل کی ہوگی آج, یہ وہی محفل ہے. دو تین حدیثیں سنا تھا ہوں اختصار کے ساتھ, بات قبول کرنا موقع مہی کی نزاکت کے خلاف ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ میری سنت ہے, حضور کی نہیں ہمارے نبیوں کی سنت ہے. صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی تک نکاح نہیں کیا تھا اور آسمان میں اٹھا لیا گیا, قیامت پہ اتارے جائیں گے, تین محبتی کے مطابق کبھی اتریں گے, ممکن ہے اس وقت ان کا بھی نکاح ہو جائے. رسول نے کیا کہا کہ ان میں جو چیز ہوتی ہے سر اور پر میں ہوتی ہے, جو رحمت کی بجائے زحمت مل گئی, خیروں کی بچوں کی طرح ہم اس پر قدم رکھ کر کہ کوئی آئے اس کے ہاتھ کو دینا پڑے. بہت یہ ناسور والی بیماری ہمارے سماج معاشرے میں اسلامی تقاضے کے بالکل خلاف ہے, آئی ہو گئی ہے. دو تین حدیثیں ایک منٹ میں سن لیجیے. پیارے رسول نے فرمایا وہ آدمی بڑا بھائی نصیب ہے جس کو چار چیز مل جائے. نمبر ایک, رہنے کے لیے اپنا کشادہ سا مکان ہو جائے. نمبر دو, پڑوسی اچھا مل جائے. نمبر تین, سواری کے لیے وہ تین فرما بردار سواری مل جائے. نمبر چار, نیک بیوی مل جائے. بیوی نیک ہے ساری آزمائشوں کے باوجود
जिंदगी ईशा इसलिए कहा गया खुशनसीब वो आदमी जिसको नेक बीज मिल जाए। प्यारे रसूल ने फरमाया तुम कौन मां को ले आ भाई, लोग लड़कियों से शादी करते हैं चार बात में से किसी एक बात की वजह से, ये मां लिया तो लोग माल के लालच में कर पाते, और ये जमा लिहा उसको पाले ही देखता लड़की के हुस्न जमाल खूबसूरती को देख कर करता है बड़ी खुशी बड़ी बेकर, और ये हंस लिहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुछ लोग जाहिरी शराफत कितना शोर देकर करता है, अरे शोरफा लोग है रही से जमाना उस खानदान में शादी करूंगा तो मैं भी इज्जत वाला बन जाऊंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मजमू को मत में नजर लड़की की दीनदारी नेक सीरती होती है वो देखते हैं लोग, ये चार मेयार है पसंद करने का तुम्हें क्या करना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया दीनदार लड़की से शादी करके कामयाबी हासिल करो। पूछा कि अल्लाह के रसूल से इतनी सीरत और दीनदार का कुछ पहचान है, फरमाया उसके चार पहचान है सब कोई नजारा जब शहर उसकी तरफ निगाह उठाए उसके दिल को खुश कर दे मुस्कुरा कर शहर का इस्तकबाल करे, और हमारा जब शहर उसको किसी बात का हुक्म दे फौरन लपक कर आ जाए फिर बजावे के लिए, और जब शहर बाहर चला जाए उसके हरेबानी में अपने नामों उसकी शहर की माल की घर की सबकी हिफाजत करे, और शहर किसी बात का पसंद दे दे उसको पूरा करे। आखिरी हदीस अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तजूज निसा बिअमवालिहि, नौजवानों कभी भी किसी औरत से लड़की से माल के लालच तो शादी मत करना, कहीं मुमकिन है उसके बाप के घर से जो मान लेकर वो आई उसके दिमाग में नफरत गुरूर घमंड भर दे, और तुमको अपने और नौजवान जाहिरी हुस्न को देखकर शादी मत करो, कहीं उसके हुस्न के मुकाबले में तुम कमतर ठहरे मामला कहीं गड़बड़ हो सकता है, अगर उसे कहीं आशनाई करने लगे मतलब तुम्हारी इज्जत बचाओ तो क्या करना है। आखिरी बात अल्लाह के रसूल ने फरमाया वला के तजब तुम निसा अल्लाह दीन मालूम कर दो लड़की की दीनदारी सीखी को और उससे शादी करना, बोले अब तो सौदा लड़की सामने रखती हो जितने दिन वो दीनदार हो अब कर दो अब मैं कोई करने के लिए जा रहा हूँ तो आप फरमाएं कि अपने घर में होने जा रहा है अल्लाह इस सीजन में बैठे फरमाए इन दोनों मेरी दूरी के दरमियान कोई फर्क मोहब्बत पैदा फरमाए और इनकी जिंदगी को खुशहाली अदा फरमाए, और हम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला सुन्नत तरीके पे शादी के जज्बा अदा फरमाए, और जो गलत रस्म व रिवाज इनको दूर फरमाए। लेकिन मेरे रसूल ने फरमाया कि तीन ईमान कभी कभी पूरा ना हो जाता है, तो सहाबा कराम ने अर्ज किया तो पूरा ना हो जाता है कई मनोजे में जो ईमान है ना हम अपने ईमान को नया कैसे बनाए। अल्लाह के रसूल फरमाया अक्सरु मिन कौले ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर नखास्ता किसी वजह से ईमान में कमजोरी आती है तो ईमान को ताज़ा कर लेना चाहिए, और हर मुसलमान को कलमा याद करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पहला कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरा कलमा शहादत अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अजीज महताब आरा जो साहबजादी हैं जनाब अली अहमद साहब की, उनका निकाह आपके साथ बहेवर पहन रहा 2,786 रुपये और इंतशन फी सुर्ख सिक्के राजे वक्त दिला वाना नफर के
قبیلے نگاہ جناب سید بازیرا بھائی اور گواہ اول جناب محمد خلیل صاحب گواہ ثانی شیخ راجد حسین صاحب وہ تمام حاضر جو مجلس کی موجودگی میں آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے آپ نے منصوبہ کو اپنی بسم اللہ میں نے محفل میں جو نکاح ہوا اسے تو قبول فرما اس نکاح میں حد عطا فرما ان دونوں نئے جوڑے کے درمیان الفت محبت ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا غربت گزرنے کا جذبہ صالح عطا فرما اے اللہ ان دونوں کو صرف مستقبل اور رسم و رواج ہمارے سماج معاشرے میں پیدا ہوگا ان رسموں کو دور فرما اے اللہ جو لڑکیاں سیانی ہیں غیب سے ان کے رشتوں کا انتظام فرما ان کے ماں باپ کے لیے سہولت پیدا فرما دین کے چلنا آسان فرما دین کی محمد فرما قرآن پاک پڑھنے پڑھنے اسی کو مراد رکھے ان کے دین مراد کو پورا فرما اے اللہ ہم سب کی جڑی جڑی دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے خیر میں قبول فرما صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد و آل محمد الراحمین شادی مبارک ہو بھائی گواہ
इश्क के बगैर जिंदगी गुनाह हो कोई गुलाम चाहे बादशाह इश्क के बगैर जिंदगी गुनाह बस की सोच कर मैंने जान दी भाई भाई बस की सोच कर मैंने जान दी यानी दे दिया गवा खुदा खुदा गवा कबूल मैं तुझे कबूल तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल था यही मेरी जान मुझे वल्ले वल्ले कहना था यही मेरी जान मुझे तूने कह दिया गवाह खुदा खुदा गवाह खुदा गवाह शुरू हुई है।
बाद में ना कहना कुछ भी पहले ही दे दू वार्निंग पार्टी चलेगी टिल सिक्स इन द मॉर्निंग जी भर के ना चले वे भी नाच नाच के तोड़ दे सैंडल आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल जिसको अपनी जान गाड़ी चुपचाप वो फ्लोर पे आए फ्लोर पे आके नाचे गाए नखरे वखरे नाते गाए शर्म को करते बाए बाए माइकल जैक्सन वाले दो तीन एक्शन करके दिखाए पार्टी करनी है हम पार्टी करेंगे किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे हम हैं बेटे हम बाकी सारे पानी कम हमें रोक के दिखाए जिसकी बम में है दम मस्ती है माहौल में चाय कुमारी है सारे थके बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है मस्ती है माहौल में चाय कुमारी है सारे थके बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है पंगा तो कोई शुरू करे अपनी भी गरारी है जुमी चुकी नोक पर रखी दुनिया सारी है अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
दस्तरखान बिछाया, हाँ दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है, दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है, है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है, इश्क है, दिल ने दस्तरखान बिछाया, हाँ दिल ने दस्तरखान बिछाया। चाशनी सी मीठी मीठी, हाय हाय बातें भी मीठी मीठी, तू आए तो भी किसी महफिल में मेरी हलचल लौट आए, हजरत लज्जत जो है तेरी दावत तो बोला भला कौन आए, अरे कहते तू जो सारी देवो को आग दू दिल की मैं कम भी मैं दे दू अपना, दिल ने दस्तरखान बिछाया, दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है, दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है।